आप भी डॉक्टरों को इस वक्त महज एक कोरोना वॉरियर्स की तरह देख रहे हैं, तो शायद आपको एक बार फिर इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि वॉरियर का मतलब कहीं आप फिल्मों में दिखाए जाने वाले सुपर ह्यूमन तो नहीं सोच रहे, जहां उन्हें न अपनी जान से हाथ धोने का डर होता है और न ही उन्हें मदद के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। क्योंकि आज के वक्त सरकारों ने जिस तरह कोरोना से मरीजों को बचा रहे डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स की सर्टिफिकेट देकर उनकी मांगें, परेशानी, ज़रूरी मदद जैसी बातों पर पर्दा डाल दिया है, वो वाकई डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। मेडिकल एसोसिएशन के ट्रेजरर और सार्क मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि वानखेड़कर ने द डेली गार्जियन में आर्टिकल लिखी है, जिसमें उन्होंने उन बातों को बताया है जो वाकई कोई भी डॉक्टर इस वक्त उन परेशानियों से अपने आप को घिरा हुआ पा रहे होंगे। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टाफ, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ स्टाफ जैसे लोग मौजूद हैं, वो कोई वॉरियर नहीं है, वो भी हमारे आपके तरह एक इंसान है। और कोरोना वायरस कोई लड़ाई नहीं है जहां कोई देश कोई दूसरे देश के खिलाफ खड़ा है। यहां न तो कोई ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता। यहां पर लड़ाई एक बीमारी से है, जहां बीमारी को ट्रेस कर पाना और उससे बचना दोनों आसान है। उनके मुताबिक डॉक्टर को इलाज के वक्त उतनी फैसिलिटीज सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिससे वे खुद को सुरक्षित कर लोगों को कोरोना वायरस से बचा सके। उनका मानना है कि लोगों की सहानुभूति हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन डॉक्टर भी खुद को बचाना चाहते हैं, जिनके लिए उन्हें भी प्रॉपर किट, प्रॉपर टूल और सभी चीजों की जरूरत है। लेकिन फिलहाल देश में कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें ये सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कुछ सरकारी अस्पतालों में तो स्टैंडर्ड सेफ्टी गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, और तो और डॉक्टरों को इंसेंटिव दिए जाने की जगह उनकी सैलरी में कटौती की जा रही है। उनका मानना है कि अब वक्त आ चुका है कि सरकार को पब्लिक हेल्थ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देश के कुल बजट का सिर्फ 1% हिस्सा ही पब्लिक हेल्थ पर खर्च हो पाया है। मौजूदा वक्त में देश के अंदर डॉक्टरों की क्या स्थिति है, उसका पता इस बात से चलता है कि एम्स के नर्सेस ने पिछले कुछ दिनों पहले ये कंप्लेन किया था कि उन्हें पीपीई किट पहनकर कई घंटे काम करना पड़ रहा है, उन्हें रेस्ट करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वेट लॉस और उन्हें मेंस्ट्रुएशन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का भी सामना करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि आज के वक्त देश भर में कोरोना वायरस के केस 5,48,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसका मतलब कि डॉक्टरों की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और अगर डॉक्टर ही सेफ ना हो तो देश की क्या स्थिति होने वाली है, वो भली भांति सभी को पता है। इस देश में हेल्थ केयर की क्या स्थिति है, उसके बारे में नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2018 बताती है। इसके अनुसार पूरे देश भर में कुल 23,582 गवर्नमेंट हॉस्पिटल मौजूद हैं, जिनमें 19,810 हॉस्पिटल रूरल एरियाज में हैं और 3,772 हॉस्पिटल अर्बन एरियाज में मौजूद हैं। गौर करने की बात यह है कि देश में एक डॉक्टर पर 1,453 लोग निर्भर हैं। ब्लड बैंक की बात करें तो देश भर में 2017 तक 2,903 ब्लड बैंक मौजूद है। जरूरी है कि इस तस्वीर को देखें, जहां मैक्स जैसे हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के इलाज के पैसों की लिस्ट तैयार की गई। आप सोच सकते हैं कि कौन गरीब इस देश में मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने की क्षमता रखता है। दरअसल सरकार को ये सोचनी पड़ेगी कि क्या गरीबों के लिए सिर्फ आयुष्मान भारत योजना से ही उनका स्वास्थ्य बेहतर होने वाला है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।